नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड सेविन प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं फिर जो मैच कवर करने वाले हैं बैजूस की सी क्लब T20 का 8वां मैच है, जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। TRC वैसे PRC टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस प्रेजन पो। दोनों टीमों के एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार यदि लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फैंटेसी इवेंट प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच सबसे कुछ देर बाद दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों जो मैच होने वाला है सनातन धर्म कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड अलेप्पो, जहाँ के अंदर ये मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं विकेट की, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के जो मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं ओवरऑल विकेट तो बैलेंस है, लेकिन दोस्तों अभी इस विकेट पे बैटर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि पहले शुरुआत में यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा सा स्विंग मिल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी मैचेस हो चुके हैं तो विकेट जो है बैटिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे और भी मैचेस होते जाएंगे, थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह खुलेंगे, तो स्पिनर्स को भी अब अच्छा खासा रिटर्न धीरे धीरे मिलने लगेगा, तो उतना इजी बैटिंग नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप इस मैच में 140 से 160 के बीच स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिर TRC टीम्स की। तो इस टीम ने इस टूर्नामेंट में 2 गेम खेले हुए, 1 मैच में जीत हासिल किया हुआ है, 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए देखेंगे संजीव सतीशन और ऐसे अभिराम श्री एच ऋतिक। फैंटेसी एप्लीकेशन का में इसका नाम अभिराम ऋतिक लिखा हुआ है। दोस्तों, सतीशन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 5 किए, उसके पहले 9 किए थे। इस सीरीज के पहले भी इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था, 17 गेम के अंदर इनमें सिर्फ 184 रन बनाए थे। इन लगभग 10-12 की एवरेज पड़ रही है, तो कुछ खास प्लेयर है नहीं, 10-15 रन बना के दे सकते हैं। एवरेज बल्लेबाज है, मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग ट्राई करें, स्मॉल लीग बहुत रिस्की है, छोड़ दीजिए, बॉलिंग कराने के चांसेस भी बहुत कम है, और अभी तक दोनों मैचों में बॉलिंग करा भी नहीं है। इनके साथ ओपन करने आएंगे अभिराम, राइट हैंड बैट्समैन, ये बॉलिंग ये भी ज़्यादा नहीं कराते हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 35 किए, उसके पहले 51 किए, तो दोनों मैचों में बढ़िया स्कोर है, स्टेट टीम के लिए खेल चुके हैं, काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन हैं। एक तरफ से एंकर करते हैं, शुरू में थोड़ा सा रुक के खेलेंगे, लेकिन जब एक बार टिक जाते हैं तो फिर बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, छक्के भी काफ़ी अच्छे लगाते हैं। तो अभिराम से ऐसे आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, मस्ट हैव पिकअप के लिए हो जाते हैं, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन है, जरूर बनाइएगा। बात करें दोस्तों अब्दुल वसीत PA की, राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिन कराते, लास्ट गेम में पूरे 4 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाला था, 3 रन का स्कोर बल्ले के, उसके बाद 10 रन के। अभी भी बहुत लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं, स्मॉल लीग को बेहतरीन ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन की। कल भी मैंने बोला था कि 4 ओवर की बॉलिंग करा सकता है, आप देख सकते हैं जाके, चाहे तो कल वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, वही हुआ, 4 ओवर किसने बॉलिंग कराई। आने वाले टाइम में अब इनसे 4 ओवर की बॉलिंग को उम्मीद करेंगे। अब विकेट अब धीरे धीरे स्लो होगा, तो स्पिनर्स को और ज़्यादा रिटर्न मिलने लगेगा। ओवरऑल देखेंगे 40 गेम के अंदर 700 करीब रन है, 39 विकेट है, मस्ट हैव पिक आपके लिए हो जाते हैं, कैप्टनसी का बढ़िया ऑप्शन है। सचिन की बात करें दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर वाले बाद, लास्ट गेम में 4 किए, उसके पहले 29 किए, इस तरह से पहले 3 गेम में 14 रन थे, तो फॉर्म उतना बढ़िया नहीं चल रहा। बैट फर्स्ट में ट्राई करिएगा, 2 राउंड खेलने आएंगे, और स्पेशली ये दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सामने वाली टीम कमजोर भी है, क्या पता यदि इन तीनों में से खास के यदि ये दोनों लंबा समय तक रिक जाएंगे तो हो सकता है सचिन को उतना बैटिंग ना आए, लेकिन बैट फर्स्ट में जरूर रहेगी, बैट सेकंड में थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, बैट सेकंड में सामने वाली टीम के कीपर ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। मोहम्मद कैप छोड़ सकते हो, आसानी से कुछ खास पिक रहेगा नहीं, ऐसे आशिक एक आध ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगे, ग्रैंड लीग का रोटेशन ट्राई करिए, स्मॉल लीग छोड़ दीजिएगा। आकाश बाबू लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, आपकी टीम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से बैकअप देंगे, स्पेशली बैट फर्स्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग भी आ जाएगा और उसके बाद बॉलिंग तो आपको 2-3 ओवर की करके देने वाले हैं। लास्ट गेम में 3 ओवर डाल, 1 विकेट निकाले, उसके पहले 2 पे 0, और बैटिंग से लास्ट गेम में 26 किए। यदि हम उनका ओवरऑल स्टेट्स देखेंगे तो 45 गेम के अंदर 700 करीब रन है, 22 की बैटिंग और उससे, और साथ में 17 विकेट भी उन्हें चटकाए हुए हैं। नीचे यहाँ से MD ने दी, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर, कल भी हमारी टीम में था, बहुत अच्छे पॉइंट दिए भाई, सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए कल इसने, कोई नहीं ले रहा, मतलब लिए थे 40-50% के आसपास सिलेक्शन था, मेरे अपोनेंट में काफ़ी लोग लेके नहीं आए थे, क्योंकि ये स्टेट लेवल प्लेयर है, जिसे मैं कैप्टन बनाया के मैं सोच रहा था कल। लास्ट गेम में इसने 40 रन किए, 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसको पहले 1 विकेट, स्टेट लेवल केरला के लिए खेल चुका है। इस सीरीज से पहले 10 गेम के अंदर 10 विकेट हैं, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, तो वहाँ पे अंदर इन्होंने खेला हुआ है, तो मस्ट टाइप है, ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा MD को। नीचे देखेंगे दोस्तों अरफड रेसब, राइट आर्म मीडियम पेस बोलो, किसी दिन की परफॉर्मेंस जबरदस्त आने वाली है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। अभी तक 2 मैच के अंदर 3-3 ओवर का बॉलिंग करा हुआ है, सिर्फ 1 ही विकेट लेने में सफल रहे हैं। इस सीरीज में 17 गेम के अंदर 23 विकेट थे, लास्ट सीजन 18 के लिए प्रमोट हो रहे थे, लास्ट गेम में नॉट आउट 20 किए, इनको कभी भी ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, अब लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, तो ये टीम में आपको जरूर होना चाहिए, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में जब प्लेयर ही रखिएगा।
निखिल बाबू लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं तो काफ़ी टैलेंटेड बॉलर, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म उतना बढ़िया चल नहीं रहा। लास्ट के दो गेम के अंदर 7 ओवर डाल के सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल रहे हैं, ओवरऑल 26 गेम 41 विकेट हैं तो अच्छे बॉलर CL में जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ से श्रीहर नायर लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स इनके ओवर थोड़ा कट हो रहे हैं, लास्ट गेम में 2 ओवर मिला था इसलिए सिर्फ ग्रांडली ट्राई करिएगा। स्पिनर्स के दोस्तों रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हम देखिए 41 में 62, 26 में 41 दोनों ही लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि अभी विकेट्स उतने ज़्यादा मतलब धीरे धीरे मिलना शुरू हुई है, थोड़ी देर स्लो डाउन होना शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे विकेट और स्लो डाउन होगा तो ये लोग बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और इवन 4-4 ओवर पूरे करके हर मैच में जाएंगे, जो पेसर्स हैं उनके वर्कआउट होने लगेंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आने वाले टाइम में निखिल बाबू श्रीहर नायर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेंच में कुछ प्लेयर हैं जो खेल नहीं रहे, हो सकता है अभी ना खेलें, तो दोस्तों आपके सामने फोन्स है TRC का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये दिख सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की, जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है यहाँ पे PRC की, लेकिन उससे पहले बता दूं मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। दोस्तों PRC की टीम ने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच टीम हार के आ रही, काफ़ी कमजोर नजर आ रही। इनकी तरफ ओपनिंग करते हुए देखेंगे अभिषेक प्रताप और ऐसे अरुण के। बात करें दोस्तों अभिषेक की, लास्ट के 2 गेम के अंदर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 3 और 15 का स्कोर है। ग्रैंडली के अंदर ट्राई करेगा स्मॉली, बहुत रिस्की रहेंगे, इनके साथ ओपन करने आएंगे अरुण। लास्ट गेम 38 के थे, उसके पहले उन्होंने 5 रन किए थे, सीरीज से पहले 22 गेम में सिर्फ 59 रन थे, 9 विकेट थे, तो बॉलिंग पार्ट टाइम कराना जानते हैं लेकिन बॉलिंग करा नहीं रहे। मेरे हिसाब से एवरेज पिक है, 22 मैच 59 रन कुछ खास नहीं होते, यहाँ भी 1 मैच में तो फ्लॉप है, 1 मैच में जरूर 38 रन उन्होंने कर दिए, लेकिन इस बार सामने इनसे थोड़ा सा बेहतर टीम है, सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक भी काफ़ी अच्छा मुझे नजर आ रहा है, तो उतना इजी नहीं रहेगा इनके लिए स्कोर करना। GL के अंदर अनुर को आपने ट्राई करना है। वन डाउन बैटिंग करते देखें के श्रीनाथ राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कैप्टनसी कर रहे टीम की। लास्ट गेम में 23 रन किए, उसके पहले 55 किए थे, इस सीरीज पहले 8 गेम के अंदर लगभग 100 रन थे 17 की ओवर से, हैं तो ठीक ठाक बैट्समैन, 20-25 कभी भी करके जा सकते हैं, साथ में कीपिंग करेंगे तो वहाँ से भी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और बैटिंग भी ईजिली आ जाएगा वन डाउन करने आएंगे, तो मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग सेक्शन से आपने इनके साथ ही जाना चाहिए स्मॉल लीग पर। ग्रैंड लीग पर सनवेल टीम के कीपर को भी ट्राई कर सकते हो। राहुल शर्मा से GL ट्राई करेगा, मुझे कुछ खास लगे नहीं, 2 मैच में 9 रन है और यहाँ पे बॉलिंग कराएंगे नहीं, बैटिंग भी कुछ खास नहीं, 50 मैच में 800 करीब रन है, आसानी से छोड़ सकते हो। नीचे देखेंगे अश्विन आनंद राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, इस टीम के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज में से एक, आपने ऊपर के टॉप 4 बैट्समैन देखे किसी का भी एवरेज 22 का नहीं था, लेकिन इनका 22 का बैटिंग एवरेज है। इस रेस बल जो 12 गेम खेलते हुए 250 करीब रन किए थे, 22 की ओवर से विकेट नहीं मिला था, बॉलिंग थोड़ा कराई थी। लास्ट गेम में इसने 3 ओवर की बॉलिंग कराई, 2 विकेट चटकाए, 28 रन बैटिंग से किए, उसके बल 6 गए थे, तो बैटिंग भी इसलिए आ जाएगा, सामने इनके ऊपर का बैटिंग कमजोर है तो रन भी बना देंगे। इसके अलावा लास्ट गेम में विकेट निकालें तो जरूर इसमें से कुछ ओवर की बॉलिंग फिर से करेंगे, तो इनको भी आप CVC ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, 2-3 ओवर की बॉलिंग करेंगे, तो हो सकता है फिर से 1-2 विकेट निकाल जाए, तो अश्विन आनंद आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, जिनको रिस्क लेना है CVC जरूर बनाना। रविंद्रन की बात करें राइट आर्म मीडियम है, 2-3 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, उतना विकेट नहीं ले पाए हैं, इससे पहले भी 2 मैच में 2 विकेट था, छोड़ सकते हो आसानी से। LP फ्रांसिस की बात करें ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट गेम में 2 ही ओवर डाले, उसके बिल 4 ओवर डालते, ओवर कट हो सकते हैं, इनके भी पार्ट टाइम बॉलर है, यहाँ पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप चाहें तो इनको भी छोड़ सकते हो। इन दोनों के बीच में हो सकता है आपको 4 ओवर देखने को मिल जाए, जैसे कि पहले मैच में देखा था 4 और 1, दूसरे मैच में 3 और 2, 3-2, 5, 3-2, 5, मतलब 5 ओवर इन दोनों के बीच होते हैं, जिस वजह से रविंद्रन के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं बॉलिंग करने के। तराबुद्दीन की बात करें राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले, उसके बाद 2-0, मैं क्लियर बोला था क्योंकि वीडियो में कैप्टन जरूर ट्राई करना तराबुद्दीन को, जिसने भी ट्राई किया होगा कि जेल पर टॉप आए होंगे, फिर से कह रहा हूँ बॉल फर्स्ट में तराबुद्दीन कैप्टन जरूर बना दीजिएगा, डिसरप्शन में बॉलिंग करेंगे और बैटिंग से अभी तक इनके बल्ले से कुछ खास निकला नहीं, लेकिन जिस दिन निकलेंगे तो 10-15 बॉल पर 30-35 बैटिंग से भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे छक्के मार लेते हैं। सीरीज पहले 12 गेम के अंदर 129 रन थे और यहाँ पे 11 विकेट उन्होंने चटकाए हुए थे, लेकिन लास्ट गेम में 3 विकेट निकालने में सफल रहे। मिथुन पे की बात करें लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स है, लास्ट गेम में 1 विकेट निकाला, उसके पहले 1 विकेट, 3-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप देंगे, अच्छे स्पिनर हैं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, मतलब एज अ प्लेयर तो रखना ही है, कैप्टन एज कैप्टन आप दोनों ग्रैंड लीग के अंदर जरूर रोटेट करिएगा। अक्षय लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, मुझे इनकी बॉलिंग बहुत पसंद है, लेकिन लास्ट गेम में इनसे सिर्फ 1 ओवर कराएगा, उसका रीजन है बॉल फर्स्ट थी टीम का, बॉल सेकंड को 4 ओवर पूरे करके आएंगे, पहले मैच में भी 4 ओवर डाल के निकाल था, इसलिए कल हमने इनको कुछ नहीं बनाया था, बॉल फर्स्ट हो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, बॉल सेकंड में ग्रैंडली में कैप्टन कैप्टन जरूर ट्राई करेगा। इस सीरीज से पहले 12 गेम के अंदर 20 विकेट, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर है, लास्ट सीजन भी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, इसको एक बार फिर से मैं अपनी टीम में एज ए प्लेयर रखूंगा, स्पेशली यदि बॉल सेकंड होगा, तो बॉल फर्स्ट होगा तो छोड़ देंगे। बीजू नारायण ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करेगा, 3-4 ओवर जरूर डालेंगे। बेंच में कुछ प्लेयर हैं जो खेल ले रहे हैं आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आपके सामने फोन से आप देख लीजिए यहाँ पे PRC का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये देख सकता है। अब दोस्तों इस मैच का टीम क्या हमारा, चलिए हम टीम भी देख लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ आपको मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दिया हुआ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, दोस्तों मैं के श्रीनाथ के साथ जा रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने अब्दुल बासित और ऐसे अश्विन आनंद और ऐसे ए ऋतिक को अपनी टीम में रखा हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन से मिथुन PK और ऐसे आकाश बाबू हैं
बॉलिंग सेक्शन से एमडी नीतीश, केसी, अक्षय, सराफुद्दीन, ऐसे अल्फ्रेड ऋषभ और ऐसे निखिल बाबू को अपनी टीम में रखा हुआ है। कैप्टन दोस्तों मैंने ऐसे अब्दुल वासित को कैप्टन करने का साफ भेजन, वन डाउन बैटिंग करेंगे, प्लस आपको चार ओवर की बॉलिंग करके देंगे। वाइस कैप्टन आनंद है, ये आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस आपको दो तीन ओवर की बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, इसलिए हमारे वाइस कैप्टन है। कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे हमारे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों समय पॉइंट देते हुए नजर आएंगे। स्मॉल लीग पे इन दोनों के साथ साथ जो आप सीवीसी बना सकते हो, तो एक तो सराफुद्दीन बहुत अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर है, आप इनको सीवीसी ट्राई कर सकते हो, निधीश को सीवीसी ट्राई कर सकते हो, इन दो मैं आपको स्मॉल लीग में दूंगा। तो स्मॉल लीग में चार में ही रखने हैं, जीएल के अंदर जो आप ट्राई कर सकते हो। अब जीएल के अंदर दोस्तों सराफुद्दीन को बॉल फर्स्ट में ही कैप्टन कैप्टन आएगा। इसके अलावा ग्रैंड लीग पर आप किसी बैट्समैन को बनाना चाहें तो ऐसे अभिराम सीएच रितिक से बेहतरीन कोई बैट्समैन है ही नहीं, दोनों टीमों में मिला के इनको ट्राई कर सकते हो। ये कुछ जीएल के सीवीसी थे, बाकी अभी के लिए टीम मेरा यही है। अभी के लिए मैं इसी टीम से अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं, क्योंकि आफ्टर टॉस इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं। तो जो भी इस मैच का फाइनल टीम होगा, आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल से भी आकर तुरंत जुड़ जाना। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ, लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।